वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टडी पॉइंट। मैं आज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाऊंगा बिटवीन एंड नैनो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड नैनो। देखिए इधर दोनों का मींस होता है के बीच में। बिटवीन एंड नैनो का मींस होता है के बीच में, यानी किसी भी दो चीज के बीच में। एक बार डिफाइन कर देता हूँ। बिटवीन मीन्स द शेप व्हिच सेपरेट एट लीस्ट टू प्लेसेस पीपल और ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया कि बिटवीन क्या करती है, सेपरेट करती है कम से कम कितनी चीजों को, दो चीजों को, चाहे वो दो प्लेसेस हो, दो स्थानों के बीच में, दो लोगों के बीच में, या कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स उनके बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल के थ्रू आसानी से समझ में आएगा आपको। मथुरा इज बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। अब देखिए मथुरा ही क्या है, मथुरा भी प्लेसेस है जो कहां है, बिटवीन मींस होते हैं के बीच में, दिल्ली एंड आगरा, यानी जो मथुरा है वो दिल्ली और आगरा के बीच में है। तो देखिए दोनों प्लेसेस आ गए यहां पर, मोर देन मिनिमम टू प्लेसेस होनी चाहिए, टू ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, टू पर्सन होने चाहिए। आई कांट डिसाइड बिटवीन ब्लू और द रेड शर्ट। जब कभी भी चॉइसेस की बात आती है दो चीजों के बीच में तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। यहां देखिए आसानी से समझ में आएगा आपके। आई कांट डिसाइड, मैं बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सका। बिटवीन मींस के बीच में, किस किस के बीच में, ब्लू और द रेड शर्ट, यानी द रेड शर्ट यानी एक रेड कलर की शर्ट थी, एक ब्लू कलर की शर्ट थी, उन दोनों शर्ट के बीच में मैं डिसाइड नहीं कर सका कि मुझे कौन सी शर्ट पहननी है। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। अब देखिए यहां पर बता रहा हूं व्हाट इज द रिलेशन, दोनों के बीच में क्या रिलेशन, किस किस के बीच में, के बीच में मींस बिटवीन के बीच में, लैंग्वेज एंड थॉट यानी भाषा और विचार के बीच में क्या संबंध है। तो हमने दोनों के बीच में संबंध बताने के लिए बिटवीन का यूज किया। लास्ट एग्जांपल समझ रहा हूं इसके, तो और समझ में आएगा आपके। ही इज सिटिंग बिटवीन रवि एंड पुष्पलता। ही मींस वेयर, इज सिटिंग बैठा हुआ है, बिटवीन मींस के बीच में, किस किस के बीच में, रवि एंड पुष्पलता, यानी रवि और पुष्पलता दो पर्सन है, उनके बीच में वह बैठा हुआ है। जैसा कि बिटवीन के बारे में समझा था, मैं अनोन के बारे में बताता हूँ। Among is used more than two people, place or things. यानी among का जो यूज किया जाता है more than two person, place or things के लिए किया जाता है। जैसा हम पहले between के लिए पढ़ा था, between सिर्फ two के लिए यूज किया जाता है, among more than two के लिए यूज किया जाता है। For example देखिएगा, he is sitting among his friends। देखिएगा अगर यहाँ पर अगर कोई दो person होते तो क्या हो जाता, he is sitting between Ravi and Sita। लेकिन यहाँ पर अमोंग का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, क्योंकि बहुत सारे उसके दोस्त हो गए। He is sitting among his friends, यानी वो अपने दोस्तों के बीच में बैठा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, who is the best among them। अगर यहाँ पे who सिंगुलर के लिए यूज किया, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये दे रखा है पीछे them, who is the best among them, उनमें से श्रेष्ठ कौन है, उनमें से बेस्ट कौन है, यानी बहुत सारे लोग हैं, उनमें पूछा जा रहा है who is the best among them। I can't decide among these shirt. देखिए ना examples के through, I can't decide among these shirt. There are many choices. देखिए आपके सामने बहुत सारी choices हैं। मान लीजिए आप mall में गए, वहाँ पर बहुत सारी shirts आपके सामने पड़ी हुई हैं। अगर आपको choose करनी है, तो अगर दो shirts होती वहाँ पे, जैसे मैंने previous video में आपको previous इसी में between में समझाया था मैंने आपको कि I can't decide between red and blue shirt, क्योंकि वहाँ आपके पास choices सिर्फ दो के लिए थी। लेकिन आपके पास there are many choices, क्योंकि बहुत सारी शर्ट पड़ी हुई है, उनमें से आपको किसी को एक सेलेक्ट करना, तो हमने किसका यूज किया, आई कांट डिसाइड अमंग दीस शर्ट्स। नेक्स्ट देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स अमंग द स्टूडेंट्स, यानी छात्रों के बीच में इस बुक्स को, इन बुक्सों को बांट दो, यानी जो पुस्तकें उनको बांट दो। देखिए हम बता, हम दोनों के बीच में बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा बिटवीन और अमंग के बीच में क्या कैसे डिफरेंस होता है। देखिएगा मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, इस सर्कल को ध्यान से देखिएगा, एक पार्ट ये हो गया आपका और एक पार्ट आपका ये हो गया। मैंने ऐसे और यहां पर मैंने एक पर्सन बनाया। अब इस पर्सन को देखिएगा ध्यान से, सिर्फ दोनों के बीच में, यानी सिर्फ दो चीजें यहां पर, एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया, इन दोनों के बीच में अगर कोई पर्सन है तो हमने किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे, यानी पर्सन बिटवीन टू गेट्स, ठीक है ना। अब अगर मैं ऐसे समझाता हूं, एक सर्कल और बनाया मैंने, मान लीजिए एक सर्कल है ये, और इस सर्कल को मैंने क्या किया, बनाने के बाद मैंने यहाँ पे एक मून बना दिया और यहाँ पे छोटे छोटे मैंने क्या किया, स्टार बना दिया। अब देखिएगा मून कितना, सिर्फ एक मून है,
रहा तो बहुत सारे स्टार्स हैं, तो ये एमओ का एग्जांपल हो गया। द मून इज शाइनिंग अमंग द स्टार, यानी जो चंद्रमा है वो सितारों के बीच में चमक रहा है। तो आप देखिएगा कि मून हो गया और बहुत सारे स्टार्स हो गए, तो मोर देन टू के लिए हम किसका यूज करते हैं, एमओ का यूज करते हैं, और सिंगल देन से टू के लिए हम किसका यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। अब आपको समझ में आ गया आसानी से एमओ और बिटवीन के बीच में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।